जिला बिलासपुर का नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सलोवा गांव आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अब तक रही सभी सरकारों के खिलाफ गहरा रोष प्रकट किया है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता उनसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन बाद में सभी वायदे भूल जाते हैं। अब की बार जनता सभी दलों के नेताओं को सबक सिखाया जाएगा। काबिले गौर बात यह है कि नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के सलोवा गांव के लिए कई साल पहले पंचायत द्वारा कच्ची संपर्क सड़क बनाई गई थी, जो आज भी उसी हालत में दिखाई पड़ती है। उक्त व्यवस्था के चलते उक्त सड़क पर गाड़ी नहीं सिर्फ बच्चों की घोड़ा गाड़ी चलती है। सलोवा गांव के ग्रामीणों बुजुर्ग ब्रह्मानंद शर्मा व हरिकृष्ण तथा विजय कुमार शर्मा, साधु राम, आशा देवी, रमेश चंद, चरण सिंह, अशोक कुमार, नीतीश राणा व शशिपाल ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके गांव में सिर्फ एक हैडपंप लगा है, जो गर्मी के मौसम में हर बार जवाब देने लगता है। यही हाल प्राकृतिक जल स्रोत का है। ग्रामीणों का कहना है कि पीने के पानी के लिए उन्हें एकमात्र बावड़ी पर निर्भर रहना पड़ता है। गर्मी के मौसम में भी अब ये बावड़ी सूखने शुरू हो गई है। सलोवा गांव के उपरोक्त ग्रामीणों का कहना है कि हालांकि उनके समीप सिद्धसू में एक मिडिल स्कूल की व्यवस्था हिमाचल सरकार द्वारा की गई है, लेकिन आठवीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनके बच्चों व लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर दराज जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खुद अपने पैसे एकत्रित करके दो दिन पहले ही कच्ची सड़क को ठीक करवाया है। कच्ची सड़क होने के कारण गांव सलोवा तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, जिस कारण गर्भवती महिला व बीमार को अस्पताल पहुंचाने में चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कैंथ घाट, सिद्धसू, शमशान घाट तक जाने वाली उक्त 3 किलोमीटर सड़क कच्ची होने के कारण अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए गुस्साए ग्रामीणों का नेताओं के प्रति भारी आक्रोश है। सिटी साइड से ये डैम से लोग गिर कर बैठे और यहाँ जो नेता आता है ये बोर्ड के लिए आता है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता, नहीं कौन नेता है हमारा और ना कोई सुविधा है, ना कोई सड़क है, ना कुछ प्रशासन है, कुछ भी यहाँ नहीं है सड़कों की। हाँ देखो, ये हमारे अपने पैसा लगा कर बना रखी है, तो हमारी अरदास यही है कि इस इलाके का कुछ हल किया जाए। जमीन की बर्बादी हो जाती है फसलें नष्ट होने की वजह से, और जैसे रोड सारा खराब हो जाता है, और हमारे बुजुर्ग है, कोई लेडीज है, प्रेग्नेंट है, और बच्चे बीमार हो जाते हैं, रोड तक पहुंचने की कमी हो जाती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं तो रोड सही नहीं होगा तो कैसे जाएंगे। सर तो गांव वालों ने किसी के पास 100 रुपया था, किसी के पास 500 रुपया था, किसी ने 1000 डाल दिया, तो कम से कम 10-20 हजार रुपया इकट्ठा करके हमने इस रोड को बनाया।